हेलो दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम वाले जितने भी छात्र हैं, अपना रैंक आईक्यू पे आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो। नॉर्मलाइज स्कोर वहाँ 5000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है। आप अभी जितने भी हैं और आप जितने भी लोगों को जानते हो, सभी को शेयर कीजिए। देखो, कट ऑफ का अच्छे से प्रेडिक्शन तब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी 5000 से प्लस लोगों ने देखा मैंने, और नॉर्मलाइज स्कोर भी बता दिया गया है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, 17 वालों का कितना नंबर बढ़ेंगे, 18 वालों को कितना नंबर बढ़ेंगे। तो जितने भी लोग हैं ना, जल्दी से जल्दी अपना नॉर्मलाइज स्कोर चेक कीजिए, और आप लोग जितने लोगों को जानते हो सारों को ये वीडियो शेयर कीजिए और अपना नॉर्मलाइज स्कोर बता दीजिए। उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में अगर 10,000 लोगों ने अगर पार्टिसिपेट कर लिया हुआ, तो अच्छे से एक कट ऑफ का वीडियो बन जाएगा। और रैंक आईक्यू एसएससी, चाहे एसएससी का कोई सा एग्ज़ाम हो, जीडी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, उसमें जो कट ऑफ बता दिया, नॉर्मलाइज स्कोर जितना बड़ा हुआ बता दिया, जितना कम हुआ बता दिया, तो वही रहता है सेम, चाहे कोई सा एग्ज़ाम हो, एकदम ऑथेंटिक और बेस्ट है। पहले मेरे को भी लगा था, शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम चेक किया ना, तो मेरे को लगा कि ऐसे ये फेक है। बाकी उसके बाद मैंने अपना 2-3 स्कोर सीजीएल का, सीपीओ का और एमटीएस का, ये 2-3 स्कोर जब देखे ना, तो मेरे जो रियल मार्क्स आने के बाद देखा तो एग्जैक्ट वही था। और कट ऑफ का प्रेडिक्शन भी बहुत अच्छे अच्छे जो चैनल है वो इसी के आधार पर लगाते हैं। तो मैं भी आपका एक कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा, और वो रैंक आईक्यू पे आधारित होगा। रैंक आईक्यू पे जितने पार्टिसिपेट किया है उसके आधार पर आपकी कैटेगरी रैंक क्या है, आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना हुआ है, वो सारा का सारा वहाँ दिखा रहा है। ऑल इंडिया रैंक क्या है आपका, तो जो भी सारे बच्चे हैं जल्दी से जल्दी रैंक आईक्यू पे आप अपना स्कोर चेक कीजिए, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और टाइपिंग के लिए रिजल्ट का पूछ रहे छात्र कब आएगा, तो वो देखो आपका ये है ना, अभी कुछ दिन और है, आपके आंसर की रहेगी, उसके बाद में ऑब्जेक्शन, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी है उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। और वो मार्क्स क्या है कि सबको बराबर मिलेंगे। अगर कोई एक भी ऑब्जेक्शन डाल देता है ना, तो उसका बोनस मार्क्स सारों को मिलेंगे। जितना भी स्टूडेंट है सारों को उसका बोनस मार्क्स मिलेगा, कोई एक अगर ऑब्जेक्शन डाल दिया तो। और कुछ शिफ्ट ऐसे एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो वो सबको फ़ायदा मिलेगा, कोई एक को फ़ायदा नहीं मिलेगा। अभी मैंने भी अपना नॉर्मलाइज स्कोर देखा है, मेरा 83 था तो वो 87 हो गया है। और एनसीसी का नंबर भी मेरे को मिलेगा, बाकी कितना मिलता है क्या मिलता है, ए सर्टिफिकेट है तो शायद 2 नंबर एनसीसी का मिले तो मिल सकता है, बाकी ऑप्शन था तो मैंने एनसीसी भी डाल दिया। तो आप जितने भी हो, अभी बोल रहा हूँ सारे का सारे, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा कट ऑफ का प्रेडिक्शन होगा। तो भाई लोगों, जितने भी हो जल्दी से जल्दी रैंक आईक्यू में अपना स्कोर देखिए, ठीक है, ताकि कट ऑफ का एक जल्दी से जल्दी मैं वीडियो बना सकूँ, उससे अच्छा सा अपना प्रेडिक्शन होगा। तो आज की वीडियो में, जय हिंद जय भारत।